हेलो एवरीवन, सोशल साइंस के हिस्ट्री में लास्ट वीक हमने चैप्टर टू स्टार्ट किया था जिसका नाम था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बात किया था कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के आइडियोलॉजिस्ट हैं, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे एंड कंजर्वेटिव्स थे, साथ ही साथ उनकी क्या आइडियोलॉजी थी उसके बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद में हमने ये देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का, ये कैसे जो है फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से स्टार्ट किया। ये कह सकते हैं कि एक प्लांट का वहाँ पे क्या हुआ था, रोपण हुआ था, वहाँ पे सीडिंग हुई थी बेसिकली। और वो जो प्लांट है पूरे यूरोप को छोड़ करके, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को छोड़ करके, वो प्लांट जो रसिया में जो जो है फ्रांस में हमने सीडिंग किया था, वो प्लांट ग्रो हुआ कहाँ पे, रशिया में। तो आज के लेक्चर में हम टोटल का टोटल रशियन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और जो लेक्चर नंबर थर्ड भी आएगा उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ, तो जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ, तो जो यहाँ पे टर्म है रशिया, यहाँ पे हम एक कंट्री के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं एक एम्पायर के बारे में। तो इस एम्पायर को पहले मैप के थ्रू जान लेते हैं कहाँ पे है ये। आप ये देखेंगे, ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये स्मॉल येल्लो कलर बोलिए या जो भी कलर आप इसको बोलें, ये पूरा का पूरा एम्पायर था जिसको बोलते थे रशियन एम्पायर। इनके नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो रेड कलर, ग्रीन कलर में आपको वेस्ट साइड में दिखेगा स्वीडन, अगेन हमेशा टॉप पे नॉर्थ डायरेक्शन, इसके अपोजिट में साउथ डायरेक्शन, यहाँ राइट साइड में होता है ईस्ट एंड लेफ्ट साइड में होता है आपका वेस्ट डायरेक्शन। अंडरस्टूड? तो ये जो डायरेक्शन हो गया, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो वेस्ट डायरेक्शन में स्वीडन कंट्री है, डन। फिर से रशियन एम्पायर के साथ बाउंड्री शेयर करते थे, यहाँ पे सबसे बड़ी एम्पायर जो थी वो थी कौन सी, ऑस्ट्रियन एम्पायर। क्या नाम था इसका? ऑस्ट्रियन एम्पायर थी। थर्ड इसके साउथ में आएंगे तो साउथ में एक हुआ करता था एम्पायर जिसको बोलते थे ऑटोमन एम्पायर, और यहाँ पे आएंगे तो ये भी ऑटोमन एम्पायर का ही थोड़ा सा ये पार्ट हुआ करता था। और ये जो कासाकियंस देख रहे हैं, यहाँ पे एक माउंटेंस है, यहाँ पे ये पाई जाती है। तो ये रशियन एम्पायर जो है इतना बड़ा हुआ करता था। अभी इसका 50% पोर्शन देख रहे हैं, अभी इस साइड में भी एशिया कॉन्टिनेंट में भी रशियन एम्पायर का भी पार्ट था। और जो सेंट्रल एशिया है, आज का जो सेंट्रल एशिया देखते हैं, उसमें भी जैसे अजरबैजान हो गया, रोमानिया हो गया आपका, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, ये सारे जो कंट्री हैं रशियन एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे। और यहाँ पे कौन सी कंट्री आप देख सकते हैं, ये जो फिनलैंड है उस टाइम रशियन एम्पायर का पार्ट है। यहाँ पे आपको कंट्री मिलेगा एस्टोनिया, यहाँ मिलेगा लातविया, यहाँ लिथुआनिया मिलेगा आपको, यहाँ बेलारूस मिल जाएगा, फिर से यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ रोमानिया मिल जाएगा, फिर से यहाँ पे ये कोई यूक्रेन मिल जाएगी कंट्री। तो ये जो सारी कंट्री थी, सारे के सारे रशियन एम्पायर का पार्ट थी। तो इस रशियन एम्पायर के अंदर में रिवोल्यूशन कैसे आकर डेवलप हुआ, क्या यहाँ पे कंडीशन थे, उसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही थोड़े से इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम देख लीजिए, उनके लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये रशियन एम्पायर का उस टाइम पे कैपिटल हुआ करता था सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। और वहाँ की जो वहाँ पे बेसिकली क्या था, देखिए दो कंसेप्ट, एक है मोनार्की, एक होता है ऑटोक्रेट। मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी, मोनार्की का मतलब हो गया कि जो भी एम्पायर होगी उसका जो मालिक होगा वो एक राजा होता है, लेकिन राजा अकेले कोई भी निर्णय नहीं लेता, उस राजा को हेल्प करने के लिए या एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, 8-9 लोगों का ग्रुप होता है। तो राजा को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो पहले प्रपोजल इनके साथ में रखते हैं, ठीक है, उनसे डिस्कस करते हैं, राय मशवरा करते हैं, फिर जो है निर्णय लेते हैं। जब बात करते हैं ऑटोक्रेसी की, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि कंट्री छोटी हो या बड़ी हो, एम्पायर छोटा हो या बड़ा हो, केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास टोटल जो पावर है ना, एक ही जगह कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट का मतलब उनको कोई भी निर्णय लेना है अपने मन से लेंगे, वो किसी से एडवाइज नहीं लेते हैं। तो जब ऐसे कहीं पे भी सिस्टम हो किसी कंट्री में, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और मोनार्की का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे भी किंग ही है रूलर, बट अंतर क्या है कि वो कैबिनेट से एडवाइज लेते हैं। दोनों में अंतर समझ गए, ऑटोक्रेसी एंड मोनार्की में। तो जो रशियन एम्पायर थे, यहाँ पे भी राजा थे, यहाँ के राजा को एक रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं जार। क्या बोलते हैं? जार, TSAR। तो जार का यहाँ पे एम्पायर हुआ करता था। उस जार का नाम था निकोलस सेकेंड। क्या नाम था? निकोलस सेकेंड। जैसे आप फ्रांस के राजा के बारे में पढ़े तो वहाँ मोनार्की थी, रसिया में क्या था? ऑटोक्रेसी था। तो वहाँ पे जो मोनार्की थी, वहाँ के राजा का नाम क्या था? लुई XVI। रशियन एम्पायर के जो ऑटोक्रेट थे उनका नाम था जार निकोलस सेकेंड, जार मतलब राजा। तो उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी इस सिटी में हुआ करती थी जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम है? सेंट पीटर्सबर्ग। मैंने देखिए उसको अंडरलाइन किया है, जहाँ जहाँ पे मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ
आपका ध्यान तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। डन। तो ये फर्स्ट सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन देख रहे हैं आप, ये ब्लू कलर का पोर्शन, सिंपल सी बात ही ओशियन होगी। इस ओशियन का नाम है ओशियन या सी है ये, इस सी को बोलते हैं बाल्टिक सी। क्या बोलते हैं? बाल्टिक सी। ये ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर में ये जो सी देख रहे हैं इसको बोलते हैं ब्लैक सी। दोनों समझ गए? तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी हो गई जो रशियन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, वो सेंट पीटर्सबर्ग। ये जो सिटी देख रहे हैं मॉस्को, ये आज रशिया नाम की जो कंट्री है उसकी कैपिटल है। डन। फिर से एक और इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है, यहां पे आप देखेंगे थोड़े से ईस्ट साइड में, इसका नाम है याकतरिनबर्ग। इसका नाम था याकतरिनबर्ग। एक चीज और, ये जो नेम है सेंट पीटर्सबर्ग, अभी क्या हुआ करता था कि सेंट पीटर्सबर्ग इसके ये जो ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ऑस्ट्रियन एम्पायर के वेस्ट साइड में है जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी में जो भी चर्च में लोग रहते थे तो वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज का एक शब्द था सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है बेसिकली एक जर्मन मूल का शब्द है, बाद में इसका नाम जो है चेंज हो जाएगा और इसका नाम रख दिया जाता है पेट्रोगार्ड। क्या नाम रखा जाएगा? पेट्रोगार्ड। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ गए। एक चीज़ और जान लीजिए कि किसी भी कंट्री का जब रिवोल्यूशन पढ़ने जाए तो थोड़ी इसको इसकी जियोग्राफी दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। जियोग्राफी क्या? सबसे पहले कि वो कंट्री का लोकेशन कहाँ है मैप पे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटी हैं, कौन कौन से सी हैं, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो रसिया है, ये रसिया क्रॉस करता है, इसके ऊपर से क्रॉस करता है पोलर रेजियंस। पोलर रेजियंस यानी यहाँ पे एक सर्कल है जिसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आर्कटिक सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो बनता पड़ता है आपको फ्रिजिड जोन पे। यहाँ क्या होती है, जो सूरज की जो सनलाइट्स है, ठीक है ना, वो स्लैंटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इस कारण से इस इन एरिया में यानी पोलर जो रेजियंस होते हैं यानी आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ साइड में जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट पड़ती नहीं है तो बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है साल के। अब मान के चलिए कि 300 दिन, 365 जो दिन होते हैं उसमें 300 दिन टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। तो इतनी भयानक जो है सर्दी रसिया में भी पड़ती है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, जो लाइन ड्रॉ कर दी है, तो इसके नॉर्थ में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम है। सबसे ज़्यादा जो डेंस पॉपुलेशन पाया जाता है ये सदर्न पोर्शन में ही पाया जाता है, या फिर ये जो पोर्शन यूरोप के साथ लग रहा है तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब ये चूंकि जो वेस्टर्न पोर्शन है रसिया का, रशियन एम्पायर का जो वेस्टर्न पोर्शन है, ये किसके साथ अटैच है? ये है अटैच है आपके यूरोप के साथ। तो सिंपल सी बात है कि यूरोप एक ऑलरेडी एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंडस्ट्रियाँ लग रही थी, तो इस जो इंडस्ट्रीज यहाँ लग रही थी यूरोप में उसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला था वो मिला था इस वाले पोर्शन को, यानी रसिया का ये जो पोर्शन है। ये देखिए फिर से मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इसको मैं रब करूँगा फिर से। तो ये जो पोर्शन है यानी वेस्ट रशिया का जो पोर्शन है, जो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ या छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्री लगी 10% या 5%, वो इंडस्ट्री जो है यहीं लगी थी। और पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ भी थोड़ी ठीक ठाक पाई जाती है और सदर्न पोर्शन में पाई जाती है। बाकी जो नॉर्थ पोर्शन वाला एरिया, यहाँ पे भी लोग रहते हैं बहुत कम मात्रा में। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक घर है, फिर से 2-4 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तो कोई घर ही नहीं, केवल बर्फ ही बर्फ है। तो ये वाली जो है कंडीशंस यहाँ पे थी, समझ गए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक है ये है रशियन रिवोल्यूशन के बारे में। रिवोल्यूशन का मतलब सिंपल सा वही है कि यहाँ पे लोग जो है एक साथ खड़े होंगे, अपने राजा को पद से हटाने के लिए हंगामा करेंगे, चाहेंगे कि कुछ हमारे कंट्री में भी पॉलिटिकल चेंज हो। और ये पॉलिटिकल चेंज किस बात के लिए हो रहा था कि हमारे कंट्री में, हमारी कंट्री को एक सोशलिस्ट कंट्री बनानी है, जहाँ पे क्या होना चाहिए, जो पर्सनल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अब ये जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ, ये इसको मैं थोड़े से 2% में अपने हिसाब से मैं बांट दे रहा हूँ, आपको भी इजीली समझ में आएगा। ये जो फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ था दो टाइम में हुआ है, एक हुआ 1905 में, ठीक है, 1905 में हुआ, और दूसरा हुआ था 1917 में। मैं अपने हिसाब से इसको दो भागों में बांट रहा हूँ आपको अच्छे से बेहतर समझाने के लिए। दोनों में अंतर क्या है? 1905 में जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था वो इस बात के लिए हुआ था कि ये जो यहाँ के राजा, इनका नाम क्या था, निकोलस सेकंड। तो जो निकोलस सेकंड कोई भी डिसीजन लेना है अपने मन से अकेले ले रहे हैं ना, आप ऐसा मत करिए। रसिया के लोगों का ये कहना था, वहाँ के जो लिबरल्स थे या फिर कंजर्वेटिव्स थे या फिर थर्ड वाले जो आइडियोलॉजी के लोग थे, वो ये चाहते थे
कि आप रहिए राजा, हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट 1905 वाले रिवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, बट आप क्या करिए कि कंस्टिट्यूट असेंबली बना लीजिए जो हमारे द्वारा चुने जाएंगे, उनसे आप एडवाइस लेके काम करिए। तो 1905 में जो रिवोल्यूशन हुआ ये हुआ था, और इसके कारण राजा मान भी गए और उन्होंने जो है एक पार्लियामेंट छोटी सी बना दी। तो रशियन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ड्यूमा, ड्यूमा का मतलब हो गया पार्लियामेंट, समझ गए। तो 1905 वाले रिवॉल्यूशन से क्या निष्कर्ष निकला कि वहाँ पे जो है राजा से मांग की गई कि आप जो है एक कंस्टिट्यूट असेंबली बनवा लीजिए, ड्यूमा बनवाइए, उसी के सलाह पे आप काम करेगा। राजा ने बना भी लिया, फिर धीरे धीरे 3 बार जैसे कि बना, फिर से उसको विघटित कर दिए, मतलब उसको डिजोल्व कर दिए, फिर से एक बार और वो ड्यूमा बनी, फिर उसको डिजोल्व कर दिए, फिर एक बार और बनी, फिर उसको डिजोल्व कर, ऐसे करते करते राजा, मतलब राजा को ये था कि जब ये एडवाइस देते उनकी सुनते ही नहीं थे राजा साहब, तो इसीलिए वो क्या करते थे, जो भी ड्यूमा बनती थी उसको डिजोल्व कर दिया करते थे। ये हो गया फर्स्ट। जो दूसरा रिवोल्यूशन हुआ 1917 में, इसका बैकग्राउंड ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था 1914 में, खत्म हुआ कब, 1917 में चला था ना, इतने साल तक। तो हुआ क्या था कि ये जो रशियन एम्पायर के जो राजा थे, इन्होंने भी अपनी आर्मी जो है भेज दी थी कि साइड में, इस मतलब कि रशिया जो एम्पायर था ये भी पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो आपको पता ही होगा कि जर्मनी मेन था, जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया था, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जो इटली, 3 कंट्री एक साथ लड़ रही थी, बाकी पूरा विश्व इनके खिलाफ था। तो ये जो तीनों लड़ रही थी, तो ये जर्मनी जो है जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी, रशियन की सेना, रशियन आर्मी लड़ रही थी। इस कारण से क्या हुआ कि अब जर्मनी को शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा जो अब बहुत ज़्यादा वो जीत रहे थे, और रशियन की आर्मी हार रही थी। अब रशियन की आर्मी जब लगी हारने, तो पहले क्या हुआ कि शुरुआती के दिनों में जो रशिया के लोग थे, रशिया के जो लोग थे वो चाहते थे क्या कि राजा जो कर रहे हैं ठीक ठाक कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन धीरे 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 जब लगे कि बहुत ज़्यादा रशियन सैनिक मारे जा रहे हैं, तो लोगों को ये दिमाग में आया कि नहीं, राजा जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, अब उनको जो है सेना को वापस लेनी चाहिए, और अपने देश में जो है हमारे वहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करें, उसके बारे में विचार करें। तो राजा के खिलाफ फिर लोगों ने बगावत कर दी कि अब यार आपसे बस की बात नहीं है, देश चलाना, आप गद्दी छोड़ दीजिए। तब जाके 1917 में राजा ने फाइनली गद्दी छोड़ दी, और जो रशिया है वो एक कम जा करके सोशलिस्ट कंट्री बना। और किसके हाथों में गया कंट्री, वो गया था एक व्यक्ति थे उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, उनके हाथों में गया। आज के जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और 1917 के बाद से जब रशिया जी इनके हाथों में गया था, उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, और उस टाइम में रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री बना। दोनों रिवोल्यूशन का बैकग्राउंड समझ गए, होपफुली समझ में आया होगा। अब आते हैं टॉपिक पे। तो 1914 में, 1914 तक, यानी फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ 5 में, 1914 तक जो जार निकोला सेकंड थे, इन्होंने क्या किया था कि पूरे रशियन एम्पायर पे, रशियन एम्पायर देख ही चुके कितना बड़ा, उस पे शासन कर रहे थे। उस टाइम जब ये शासन कर रहे थे राजा साहब, तो उस टाइम की जो रसिया की जो इकोनॉमी थी या सोसाइटी थी वो कैसी थी, उसमें ये था कि जो 85% जो पॉपुलेशन थी रसिया की वो करती थी एग्रीकल्चर, क्या करती थी एग्रीकल्चर, और बाकी की जो 15% लोग थे वो क्या थे, इंडस्ट्री लगी हुई थी, वो इंडस्ट्री चलाते थे। और वो क्या थी, वो जो भी इंडस्ट्री लगी थी वो सिंपल सी बात है प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, और उसका कंसंट्रेशन कहाँ था, रसिया के वेस्ट पोर्शन में, और ये जो एग्रीकल्चर लोग करते थे ये कहाँ थे, सदर्न पोर्शन में, जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी। अब होता क्या था कि जो इंडस्ट्री में वर्कर करते थे वो अलग अलग इंडस्ट्री थी, तो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स भी क्या थे, अलग अलग जगहों पर रहते थे, तो वो क्या थे, डिवाइडेड थे कि अगर उनको अपने वेजेज में, उनको अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट करनी है, वर्किंग कंडीशन में सुधार करना है, तो उस कंपनी के, मान लीजिए कि कंपनी नाम है ए, कंपनी है बी, तो कंपनी ए के वर्कर्स जो अपने मालिक से उधर हंगामा कर रहे हैं, कंपनी बी से अलग हंगामा करते थे, तो वो कभी जो है यूनाइट होकर स्ट्राइक जो है नहीं कर पाते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो यूनाइट होकर स्ट्राइक करना भी शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ जो पीजेंट्स थे, किसान, जो किसान थे 85% जिनकी पॉपुलेशन थी, वो क्या करते थे, जो भी नोबेल्टी थे ना, नोबेल्टी का मतलब जो जाने माने व्यक्ति हो गए, विद्वान हो गए उनके सोसाइटी में, इन जो फार्मर्स थे उनकी इज्जत नहीं करते थे। ये जो फार्मर्स थे रसिया के फार्मर्स,
ये उनको टैक्स भी नहीं पे किया करते थे। अगर इनको हंगामा करना होता था तो बेधड़क से हंगामा भी कर देते थे, इनको जो है डर बिल्कुल भी नहीं था। और रसिया में रसियन के जो पीजेंट्स थे उनके अंदर इतनी सहमति थी कि वो क्या करते थे कि जैसे कि 5 साल के लिए कहते थे कि 10 किसान जो है हम लोग 10 फार्मर्स लोग मिल करके क्या करते हैं कि एक साथ खेती करते हैं, और जितना प्रोडक्शन होगा इन्वेस्ट भी सेम करेंगे, और जितना भी प्रोडक्शन होगा उसको जब मार्केट में ले जा करके बेचेंगे तो जितना इनकम होगा उसको इक्वली क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे उनका ये सोचना था कि ऑलरेडी जो पेजेंट्स हैं रसिया के पेजेंट्स हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा यूनिटी है, और कभी भी अगर रसिया में रिवोल्यूशन होगा तो ये पेजेंट्स ही जो है एकदम सेंटर में रहेंगे, यानी यही आंदोलन को शुरू करेंगे, और जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है इनका सोचना था, लेकिन इस बात को नहीं मानते थे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम मैंने बताया लेनिन। लेनिन का ये कहना था कि जो फार्मर्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ जो हैं लैंडलेस फार्मर्स हैं जो दूसरे के खेतों पर जाके खेती करते हैं, कुछ ऐसे फार्मर जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो दूसरों से काम करवाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जब भी रसिया में रिवोल्यूशन होगा वो जो है ये पेजेंट्स ही कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं वो एक दिन रिवोल्यूशन करेंगे। अब एक और कंडीशन थी कि 1914 से पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी रसिया में, उन्होंने राजा ने क्या कर दिया, उनको बैन कर दिया था कि सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इलीगल हैं। फिर भी जो लेनिन थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, जिसको बनाया गया था 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया किस बात के लिए कि जितने भी पीजेंट्स हैं वो क्या करेंगे, जब हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, पीजेंट्स को उनके राइट्स दिलवाएंगे, जो भी लैंड है नोबल्स के पास, मैंने जो बहुत धनी धनी किसान हैं उनके पास जो ज़मीन है उनसे छीन करके ये जो ज़मीन हम गरीब किसानों को देंगे, और जो भी ज़मीन है उनके में इक्वली क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये इनका इस पार्टी का जो है मेन मोटो था, और ये पार्टी जो ऐसे किसानों का क्या करती थी, हेल्प भी किया करती थी। तो जब बात आती थी रिवोल्यूशन की, तो रिवोल्यूशन में जैसे मैंने भी बताया कि जो पिजन्स थे वो ये चाहते थे कि क्या हो कि